उत्तर आंडामान सागर रे दारा बांधुछि आउ एक घूर्णिबलय 24 घंटे यहाँ सक्रिय होगा सहित 10 तारीख बेलू यह लघुचाप रूप ने प्रभाव में आसंता 12 अक्टोबर ठार राज्य में वर्षा नहीं आकलन करणिपाग केन्द्र ए बाबद अधिक आलोचना कर प्रतिनिधि स्वप्नांजलि जोड़ी होती स्वप्ना किछु अपडेट आसुची चिन्मय जो भाव में अक्टोबर मस बात्यार जन्म मस कह जो भाव में अक्टोबर पूरा ओडिशा रे विभिन्न समय रे बात्यार रूप नहीं कि आसी पूरा क्षतिग्रस्त हुए ओडिशा तेणु चलित मस उत्तर ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा रे लघुचाप आसिबो एवं ये जो अवपात रूप नहीं सारापर बात्या संभावना रही बात्या जदि स्पष्टीकरण हो पारे ना जदि बात्या पारे नईपे कि आकलन कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान कर पूर्वतन निर्देशक शरद साहू कहते जे जदि बात्या न हुए तो यह सीभीयर साइक्लोन रूप नेबार संभावना रही यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा खास करी एवं पुरी रे अधिक रु अधिक वर्षा रेणु से समय रे सामुद्रिक जो मैंने मत्स्यजीवी रही समुद्र मना कर विभिन्न अंचल को येलो रेड ऑरेंज वार्निंग स्पष्टीकरण करतमान जहाँ स्थित रही 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशा खास करके देखा गंजाम गजपति कोरापुट मलकानगिरी रायगढ़ कंधमाल ये तमाम अंचल रे वर्षा रहिबो एवं घड़घड़ी सहित आंचलिक जहाँ पाणीपाग केन्द्र विभाग पक्षर अनुमान कर घड़घड़ी सहित सामान्य वर्षा रहिबो यार जहाँ जितेबाला बात्यार जदि रूप नेबो यहाँ समुद्र पतन ठारु 1.3 किलोमीटर उच्चतार रहिबो 15 तारीख भितर उपकूल ओडिशा छुईब यार प्रभाव में अनेक अंचल वर्षा हेब अनेक जिला प्रभावित हे खासकर जमी कहली दक्षिण ओडिशा और पूरी विशेष भाव में क्षतिग्रस्त हे जहाँ कहला पूर्वानुमान जेहेतु दशहरा अच्छी सामने दशहरा आसूँ तेणु दशहरा को मध्य यह प्रभावित करिपे कि जदिव एपर्तंत स्पष्टीकरण हो पारिना दशहर मध्य ये सामान्य वर्षा हेब एवं तापर 14, 15, 16 तारीख रु कधिक रु अधिक वर्षा एवं 17 रे यह अवपात रूप नहीं कि स्पष्टीकरण करदिओ बात्या हेब सहित जदि बात्या न हेब कि मात्रा रे यह सीभीयर साइक्लोन रूप नेब चिन्मय निश्चित भाव में स्वप्ना 10 तारीख ही पूरा संपूर्ण तथ्य ही जना पड़ जो वास्तविक यह साइक्लोन रूप नेब ना ना बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्न आपंकर तमाम सूचना पाई।